नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे गिवअवे चल रहा है, इसमें भाग लेने के लिए आई बटन पर जाकर देख सकते हैं आप। आज की वीडियो में मैं बनाऊंगी हैंडबैग। हैंडबैग बनाने के लिए मैंने ये लिया है, कपड़े लिया है मैंने, ये मैंने डबल कर रखा है कपड़े। इसकी लंबाई मैंने लिया है कपड़े की 32 इंच एंड चौड़ाई लिया है मैंने 27 इंच। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इस तरह चुन्नट डाल के इसको मैं सिलाई कर लूंगी। प्लेटें डाल के इस तरह मैं जो भी 3-4 प्लेटें आ रही हैं इसको मैं सिलाई मारूंगी, इधर भी और उधर भी दोनों तरफ। और फ्रेंड्स, ये मैंने बेल्ट के लिए ये कपड़े लिया है, इसकी लंबाई मैं ली हूँ 20 इंच एंड चौड़ाई है 4 इंच। इसका मैं बेल्ट तैयार करूंगी। इस तरह सिलाई मार दूंगी दोनों बेल्ट पे। साइड मैंने प्लेट डाल लिया है और दूसरी साइड भी मैं प्लेट डाल लूँगी। मेरा कंप्लीट हो गया है प्लेट, इसको मैं बराबर नाप लूँगी कितना हो रहा है ये। मैंने दोनों तरफ प्लेटें डाल ली हूँ, मैं इसका बेल्ट तैयार करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों तरफ प्लेटें डाल लिया है, इधर भी और इधर भी। अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं 20 सेंटर का निशान लगाऊंगी। 20 सेंटर ये हमारा ये हो गया है, 20 सेंटर ये है। अब इसमें मैं मुझे बेल्ट लगानी है तो मैं यहाँ से 2.5 इंच पे इधर से और 2.5 इंच इधर से, इधर भी और इधर भी दोनों साइड 2.5-2.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। मैं इसमें बेल्ट लगाऊंगी, ये बेल्ट मैंने तैयार किया हुआ है। अब मैं बेल्ट को इस तरह रखूंगी और इस तरह इसको मैं सिलाई मार दूंगी, इधर भी और उधर भी दोनों साइड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बेल्ट लगा लिया है दोनों साइड। अब मैं इसमें चेन लगाऊंगी, ये मैंने ऊपर रखा है 12 इंच, 11.5 इंच है ऊपर। अब मैं इसको ये सीधा
और चैन उल्टा सिलाई मारूंगी इस पर। तो देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ मैंने सिलाई मार दिया है, चैन लगा लिया है। अब मैं इस पर दाब वाली सिलाई मारूंगी, इस तरह इसके ऊपर, इसके दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई मारती। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं दाब वाली सिलाई मार दी हूँ। अब मैं क्या करूँगी, ये दूसरा पीस इसके ऊपर रखूँगी इस तरह, और इसको भी मैं यहाँ तक सिलाई मारूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इधर जैसे दाब वाली सिलाई मारा, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसमें भी दाब वाली सिलाई मारूँगी, इसमें इस तरह दाब वाली सिलाई मारूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं इसमें चैन लगा ली हूँ। चैन लगाने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। तो अब मैं, मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे गुलाई दूंगी थोड़ा, 2 इंच की दूरी पे। इस तरह मैं गुलाई देने के बाद ये सिलाई मार लूंगी। ये 2 इंच की दूरी पे मैंने ये गुलाई दिया है इस तरह, और यहाँ से मैं ये सिलाई मार लूँगी। इधर भी मैं गुलाई दूँगी और इधर भी। यहाँ भी मैं 2 इंच की दूरी लूँगी। और इस तरह मैं सिलाई कंप्लीट करूंगी, इधर भी और उधर भी, यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर भी और उधर भी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सिलाई मार लिया है। अब मैं इसको यहाँ से कट करूंगी, थोड़ा सेक दूंगी इसको। ये इस तरह मैंने गुलाई दिया है, इस तरह मैं इसको थोड़ा सेक दे दूंगी, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सेप दे दिया है। अब यहाँ से मैं चैन ओपन करूँगी, इसको मैं सीधा करूँगी। सीधा करने पे ये हमारा कुछ इस तरह दिखेगा। तो फ्रेंड्स, किसी भी कपड़े से बना सकते हैं आप ये। बनाने के बाद सारे बैग सुंदर लगते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है ये। इसमें मैंने एक ही पॉकेट लगाया है, बहुत बड़ा है। इसमें आप सब्जी वगैरह भी यूज कर सकते हैं लाने के लिए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और आप इस फैमिली का मेंबर बनना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।